आलू ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो। आपके गली मोहल्ले में पहली बार सचिन सिंह पाल अपना ठेला लेके आए हैं। जल्दी आइए, आलू प्याज मात्र 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन फार्म भी भरा जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। देखिए ऑनलाइन का पैसा नहीं लगेगा, 5-10 किलो मर्चा हमको दे दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, सॉरी सॉरी, हम गाना गाते गाते क्या बोलते। फादर जी और आप भी लोग सोच रहे होंगे ये गाना गाते गाते क्या बोल दिया, तो बहुत दुख भरी कहानी है फादर जी। फादर जी, जैसे हम क्यों मतलब गाना गाते गाते हम आलू प्याज लगे बेचने, बहुत दुख भरी कहानी है। अभी तो हम मेरा पढ़ने लिखने का उम्र है और हम यहाँ पे आके कॉमेडी कर रहे हैं, लेकिन जब भविष्य में मेरा शादी होगा, मेरे बीबी बच्चे होंगे, हमार मेहरारू कहेगी, अरे सुनिए ना, लिपस्टिक खरीदना है, पैसा दीजिए ना, तो बताइए उसके लिए कोई धंधा तो करना पड़ेगा ना। इसीलिए हम सोच लिए हैं भविष्य में हम आलू प्याज बेचेंगे और अपने मेहरारू के लिए हम लिपस्टिक खरीद के देंगे। फादर जी और आप भी लोग, फादर जी आप आइएगा आलू प्याज खरीदने, आप भी लोग आइएगा आलू प्याज खरीदने। आप लोग तो मेरे अपने हैं, हम आप लोगों को फ्री में नहीं देंगे, क्योंकि धंधा धंधा होता है, अंधा अंधा होता है। फादर जी होते हैं, स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हम। चुप चुप चुप, अजीब फेफड़ा है, कह रहा इतना जोर से मत ठोको नहीं तो किडनी में जाकर सट जाएंगे। कहीं का चलिए, वैसे देखिए हम कुछ भी बोलेंगे आप सिर्फ ताली बजाइएगा, आ आ मत कीजिएगा और सीटी तो बिल्कुल मत मारिएगा, नहीं तो क्या होता है थोड़ा नहा धो के आओ तो लड़के लगते हैं सीटी मारने। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग फादर जी आप सोच रहे होंगे आखिर ये करने क्या आया है, ये है कौन। तो सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें, वैसे चलिए अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम है, बताने की जरूरत है नहीं, आप लोगों तो मेरा नाम पता ही होगा। क्या नाम है? चिरकुट नाम है मेरा, हम पगला गए होगा तुम तो। हम अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। फादर जी आई एम इंग्लिश मैन, माय नेम इज सचिन सिंह पाल एंड माय फादर नेम इज नहीं, विशाल जी आप हंस रहे हैं ना, आपको लग रहा है हम अपने पापा का नाम भूल गए ना, नहीं आपको लग रहा होगा, ऐसा लगता है ठीक ना, तो लेकिन हम अपने पापा का नाम भूले नहीं हैं, हमको अभी तक याद है ठीक ना। देखिए फादर जी, इंग्लिश मैन, माय नेम इज सचिन सिंह पाल एंड माय फादर नेम इज मिस्टर राम सिंह पाल। आई हैव ए ट्रैक्टर है 4 पहिया एंड माई ट्रैक्टर डज नॉट स्टार्ट विदाउट धक्का पल्ले। वैसे फादर जी आप ये तो सोच रहे होंगे आखिर ये करने के आया है, तो मैं बता दूं मैं एंकरिंग भी कर लेता हूँ, बहुत टैलेंटेड हूँ मैं। फिर जब सोचा मेरे क्लास की लड़कियां मुझसे भी खराब एंकरिंग करेंगी तो हम उसमें हाथ ही नहीं डाले, और मैं गाना भी बहुत अच्छा गाता हूँ, जब मैं गाना गाता हूँ तो लोग अपना दोनों हाथ ऊपर करके थोड़ा सा पीछे लाते हैं, दोनों हाथों का एक एक अंगुली निकालते हैं और कान पे लगा लेते हैं, और मैं तो हूँ बहुत टैलेंटेड, मैं डांस भी बहुत अच्छा करता हूँ, अगर आपको यकीन ना हो तो मैं दिखा दूँ, लेकिन
दिखाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, मैं जब डांस करता हूँ तो आग लग जाता है आग। अपने गांव में बहुत से लोगों का पुअरौटी आग लगा दिया है डांस करके। लगाइए गाना, लगाइए। अनारकली समझे होगा इतना ना चाह रहे थोड़ी बात कहीं की। वैसे देखिए, मेरा एक दोस्त है शक्ति, यहीं पे गाना गा के गया है। वो मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। उसको गाना भी आता है, डांस भी करना आता है। जब वो गाता है ना, उसके सामने कोई टिकता नहीं है। जब वो गाता है एकदम खो जाता है उसमें गाने में। एक बार गा रहा था, एकदम गाने में खो गया। फिर वो गाने में खो गया, बाद में उसको जो ढोलक बजा रहा था वो कुहनी से मार के कहा, उस्ताद आपके सामने कोई नहीं टिका, आपका सुर देख के सब भाग गए। ठीक ना। वो डांस भी बहुत अच्छा करता है, अगर एक बार डांस कर देना तो उसको साल भर बाजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब वो डांस करता है तो ऐसे लोग जो अपने थैलियों में आलू प्याज लेके आते हैं वो उसको मंच पे चला चला के दे देते हैं। ऐसे दोनों हाथ से बिटोरता है, घर ले जाता है और एक महीने तक बना खाता है। देखिए विनीत, विनीत कहाँ है? हाँ विनीत इधर आओ, आपको पता है हम इसके घर गए तो हम जब अब इसका फाटक खोले तो मेरा आंख फटी की फटी रह गई। इसको देखे वासी मशीन में बैठा था। हम गए कहें, विनीत भैया ये बताओ वाशिंग मशीन में कहें बैठे हो? तो कह रहा है क्या बताएं सचिन भाई, मनीष बोला है कि विनीत तुम बहुत गंदे हो गए हो, तो इसीलिए सोचे वाशिंग मशीन में बैठ कर धुल लें, अपने आप को साफ हो जाए। फिर हम बोले कि बात तो तुम्हारा सही है, लेकिन ये बताओ सरफ वरफ डाले हो कि नहीं डाले हो? तो कहा अरे यार वो तो भूल गए। फिर निकल के गया, एक डिब्बा सरफ लिया और पूरा डाल दिया और उसमें बैठ गया। बोला सचिन भाई एक दो तीन बोलेंगे आप बटन दबा दीजिएगा। हमने बोला ठीक। एक दो तीन बटन दबाया, ऐसे 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 घूमा और देख लीजिए आज रिजल्ट आपके सामने कितना चमक रहा है। ऐसे आइए आप कौन सा रफ रहा रे बाबू। और एक बार की बात बताएं, अपना ये मनीष है मेरे पास आया दौड़ते दौड़ते, कह रहा है कि सचिन भाई हम हेलीकॉप्टर पर से कूद गए हैं। तो हम कहे हेलीकॉप्टर से कूद गए सही सलामत, तो कहीं चोट को नहीं लगा? तो कह रहा है कि नहीं नहीं भाई चोट नहीं लगा है। हमने बोला लेकिन कूदे।